मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। स्वागत है आपका आर पीपल आर जोन्स के छठे एपिसोड में, जिसमें हम मिलेंगे सिविल लाइंस डिस्ट्रिक्ट की जोनल टीम से, जिनके जिद्दी हौसले हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं टाउन सर्कल के सिविल लाइन डिस्ट्रिक्ट की टीम से और जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। Myself is Akhil Chauhan. I am working as circle head of town as well as city circle. In town circle, we have three districts: civil line district, model town district, and Keshav Town district. In civil line districts, we have many influential customers like Delhi Jal Board, CM House, LG House, old five-star heritage hotel, etc. There are many influential customers in civil line area, so there is always a pressure to provide reliable supply to these customers. And our mantra for this year is reaching towards the outstanding. We are working for it. Our reliability parameters are best in company in TPDDL. अगर हम वैल्यू एड सर्विस की बात करें तो सिविल लाइन के कस्टमर्स के लिए हम लोग सोलर योजना और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए पावर फैक्टर करेक्टर के लिए हम लोग उनका साथ देते हैं, जिससे उनको फाइनेंशियली काफ़ी बचत भी होती है। और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि बिल्कुल निर्बाध बिल्कुल बिजली उनको हम लोग प्रोवाइड करें विद क्वालिटी के साथ। अपनी धरोहर को संभालने के साथ साथ आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते रहना एक विजनरी लीडर की पहचान है। मेरा नाम प्रमोद सिंह है। मैं टाटा पावर डीडीएल के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट सिविल लाइन में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में दो बिजनेस यूनिट है, बिजनेस यूनिट सिविल लाइन एवं बिजनेस यूनिट कमला नगर। मेरे डिस्ट्रिक्ट में टोटल एरिया करीब 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1.42 लाख कंज्यूमर को बिजली प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, इसका नॉर्थ कैंपस भी यहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स जैसे हिंदूराव हॉस्पिटल, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं जो हमारी टीम मेहनत करके उसको हैंडल करती है। लास्ट ईयर फ्लड की वजह से डिजास्टर टाइप सिचुएशन भी आई थी, तो हमारे टीम ने दिन रात एक करके काफ़ी कम समय में बिजली सुचारू रूप से प्रदान की थी। हमारी टीम ने क्वालिटी और सेफ्टी में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारी टीम को ही एपेक्स क्वालिटी एक्सेलेंस अवार्ड एवं डॉक्टर पंकज कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे हमारी TQM इम्प्लीमेंटेशन का ग्राउंड लेवल पर पता चलता है हम लोग उसकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं। RNR पॉलिसी के अंतर्गत हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारी टीम के सारे मेंबर्स को सम्मानित किया जाए। हमारी टीम क्वालिटी सर्किल में भी काफ़ी अच्छा करती है और अब तक 5 इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट की है और अवार्ड भी जीते हैं। एक जोन के मॉडल जोन बनने तक का सफर कैसा होता है, जानते हैं खुद BU मैनेजर। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं बिजनेस यूनिट कमला नगर में एज ए बिजनेस यूनिट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। बिजनेस यूनिट कमला नगर 4 जोनों से मिलकर बना है: विवेकानंदपुरी जोन, सीबीआई कॉलेज जोन, बारगढ़ जोन और कमला नगर जोन। BU कमला नगर में लगभग 81,000 कस्टमर्स हैं और इसका एरिया 8.5 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। बिजनेस यूनिट कमला नगर के कुछ चैलेंजेस हैं जिसको मिटिगेट करने के लिए हमारी टीम TQM अप्रोच को फॉलो करते हुए टाइम टू टाइम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेती रहती है। लास्ट ईयर हमने मेनली 4 प्रोजेक्ट्स लिए थे, जिसमें से 2 हमारे NCQC में एलिजिबल हो गए थे और उसमें से भी 1 को हमारा इंटरनेशनल के लिए क्वालिफिकेशन भी मिला है। जो ये हमारे प्रोजेक्ट्स थे, इसमें थे, एक तो हमने फैब्रिकेशन टूल बनाया था जिससे कि हमारे मेंटेनेंस ऑन साइट फैब्रिकेशन टूल था वो, जिससे कि मेंटेनेंस का MTTR हमारा कम हो सके। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा एक्सटेंडेड क्लैम्पोनोमीटर, जिससे कि जहाँ पे हमें लोडिंग लेने में दिक्कत आती है वहाँ पे हम लोडिंग ले सकें। तीसरा प्रोजेक्ट था हमारा कि जो हमारी सबोटेज होती है उसको मिटिगेट करने के लिए हमने SDMR सीट लगाई थी ट्रांसफॉर्मर के LT साइड में। इसके अलावा जो हमारी टीम है वो काम को लेके काफ़ी पैशनेट है और इन्हीं इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारी जोन की जो रिलायबिलिटी और ATNC पैरामीटर्स है वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं और लास्ट ईयर हमारी जोन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल जोन थी, जिसकी वजह से हमारी जोन को एज ए मॉडल जोन के रूप में सेलेक्ट किया गया है। और वैसे भी हमारी टीम काफ़ी काम को लेके काफ़ी पैशनेट है, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो गए। एक एक्सेप्शनल लीडर वो होता है जो एडवर्स सिचुएशन में भी टीम का मनोबल बनाए रखता है। मेरा नाम अंकुश अरोड़ा है। मैं BU सिविल लाइन में जोनल मैनेजर हूँ। ये BU 3 जोन को मर्ज करके बना है।
सिविल लाइन तिमारपुर एंड प्रियदर्शनी विहार। मेरे बीयू में 76 एम्प्लॉयज कार्यरत हैं। मेरा जो बीयू सिविल लाइन है ये 13.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसमें अप्रॉक्स 60,000 कस्टमर बेस है। हमारे बीयू में कई बड़े एक्सप्रेस और केसीजी कस्टमर्स को हम रिलायबल सप्लाई देते हैं। यहाँ के लोग इन्फ्लुएंशियल हैं और नई टेक्नोलॉजी को लेके अपडेट रहते हैं। सिविल लाइन्स के लोगों को हम साथ में वैल्यू एडिट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारे बैक ऑफिस की टीम्स भी हमें सपोर्ट करती हैं। हमारी टीम को ICQC, NCQC, CCQC एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवार्ड्स मिले हैं। टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए हम अपने ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को अवार्ड्स में नॉमिनेट करते हैं और उनको अवार्ड्स मिलते भी हैं। प्लस हम साथ में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी करवाते हैं। हमारे यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट है। कोई भी कार्य करने से पहले हम टेस्ट बिफोर टच करते हैं। हम सबकी केयर करते हैं, इंसानों की, एनवायरनमेंट की, एनिमल्स की। तो हमारे यहाँ पे ब्यू सिविल लाइंस में मंकी इलेक्ट्रोक्यूशन जो था वो एक फ्रीक्वेंट रीजन बन गया था इंटरप्शन का, जिसकी वजह से हमारी ट्रिपिंग्स जो थी वो बढ़ी हुई। उसके लिए हमने डेवलप किया महावीर। ये हमारा प्रोडक्ट है महावीर शील्ड। इसको हमने इनहाउस फैब्रिकेट किया है और हमारे जो HVDS 3-phase सिस्टम है उसके ऊपर मंकीज की एंट्री को बार्ड करने के लिए इसको यूज किया है। हम आशा करते हैं कि सिविल लाइन डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस स्टोरी से आप जरूर प्रभावित हुए होंगे। आर पीपल आर जोन के इस एपिसोड से संबंधित फीडबैक या सजेशन आप स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे कुछ और जोन्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ आर पीपल आर जोन्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।